नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आज कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने झंडारोहण कर दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी समेत समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी हम सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। उनका जीवन संघर्ष, उनकी सादगी और उनकी सेवा भावना हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के समय में भी उनके विचार पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। इस अवसर पर हरिहरपुर के विख्यात गायकों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक गीतों ने माहौल को संगीतमय और प्रेरणादायक बना दिया। जिलाधिकारी ने लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान नारे की भी चर्चा करते हुए कहा कि यह नारा देश की जड़ों को मजबूत करता है। उन्होंने दोनों महापुरुषों की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसार करने पर बल दिया और कहा कि स्वच्छता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध होना चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह संदेश दिया कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता समेत कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी ने गांधी जी और शास्त्री जी के योगदान की सराहना की और उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस विशेष कार्यक्रम को सफल और अस्मरणीय बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसका श्रेय उनको जाता है और उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि बिना किसी हथियार को उठाए हम आज़ादी की लड़ाई में एक दूसरे लड़कर पर जीत सकते हैं। और आज हमारे देश का लोहा पूरा विश्व जानता, पूरा विश्व मानता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो सोच है उसको पूरा विश्व मानता है। विश्व भर के जो अनेकों महान या पहुँचे हुए लोग हैं वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग हो गए, नेल्सन मंडेला जी हो गए, गांधी हो गए, वो सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं उससे प्रभावित हुए और उनका उन्होंने अनुसरण किया। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके विचारों को आज के दिन याद किया जा रहा है, उनकी जयंती को आज के दिन मनाया जा रहा है। और आज हम सभी लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि उनका उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर हम सभी लोग चलें। आगे आने वाली पीढ़ी को भी उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उनके मूल्यों के बारे में बताएं। उनके द्वारा नारी सशक्तिकरण पर विशेष रूप से बल दिया गया, जोर दिया गया। स्वर्णसूत जैसी जो बुराइयाँ व्याप्त थी समाज में उसको दूर करने के लिए वो हमेशा आगे रहे। उनका यह मानना था कि भगवान ने सभी को बराबर बनाया है, तो इस प्रकार की बुराइयों को समाज से दूर भगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी विभिन्न के जो संकल्प थे, स्वच्छता के प्रति उनकी जो भावना थी, साफ स्वच्छता पूरे देश भर में हो उसको लेकर उनके जो विचार थे, आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से पूरे देश में उसको लागू कर रहे हैं। तो इस प्रकार के महान और आदर्श जीवन जो उनका था उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज गांधी जयंती के अवसर पर हम सभी लोग ये प्रण करें कि उनके दिखाए रास्ते पर हम सभी लोग चलेंगे। इसी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी आज हम मना रहे हैं। उन्हें भी हम नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनके द्वारा जो नारा दिया गया जय जवान जय किसान, उसने हमारे देश को मजबूत किया। एक तरीके से हम सभी ने आत्मविश्वास होने वाला नारा था ऐसे समय में जहाँ पर हमारे देश को आत्मविश्वास की जरूरत।
उनका जीवन हम सभी लोग जानते हैं कि एक आदर्श रहा है, सादगी से भरा हुआ जीवन, उनकी कर्तव्य निष्ठा की कहानियां हम सभी लोगों ने सुनी है। आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ी और हम सभी लोग उनके बनाए बताए रास्ते पर, उनके जीवन मूल्यों पर यदि हम थोड़ा भी चल पाए तो अपने देश को बहुत आगे ले जा पाएंगे। तो आज हम दोनों महान विभूतियाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को स्वागत नमन करते हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और जरूर हम सभी लोग उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार के भारत का सपना हम दोनों ने देखा था उसको पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।